ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। हम बहुत ही अति भाग्यशाली आत्माएं हैं जो आज हम राजयोगिनी जयंती दीदी जी को सम्मुख सुन रहे हैं। तो एक बार जोर से इस प्रांगण में आपका दिल और जिगर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मम्मा बाबा की छत्र छाया और पालना से आप इस जीवन को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज इस शिखर पर पहुंच गए हैं जो मम्मा बाबा को ही प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने आपको चुन लिया है। वैसे तो आपकी सेवाओं का वृत्तांत अगर कहे तो बेअंत है, मास्टर सागर के समान है। फिर भी उनमें से कई सेवाएं ऐसी अग्रगण्य है जो हमारे इस यज्ञ के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में बनी हुई है। ओम शांति। दिवाली की, नए वर्ष की, भैया दूज की बहुत बहुत आप सबको बधाइयाँ हो। मुझे लगता है कि दादी अपना एंजल रूप में देख करके ये सीन बहुत खुश हो रही होंगी, क्योंकि कई बार दादी का यहाँ आना था। मैं समझती कुछ समय के लिए तो दादी हर मास भी आती रही और हंसा बहन को भी बहुत ध्यान रहता था कि मुझे दादी को लेके जाना है, तो उसने भी आप सभी को याद भेजी है। बाकी तो बाबा की मुरलियों के द्वारा तो आपकी आध्यात्मिक पालना भी हो रही, परंतु मैं देख रही हूँ कि आप सब कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा ने ये स्थान आप लोगों को एक सौगात के रूप में दी है, क्योंकि आप सबका हर प्रकार से, मन से, तन से, हर प्रकार से सुविधाएं ऐसी बना के रखी है जो आप लोगों को कोई बात का सोचना न पड़े। आज ही कोई मुझे कहता था कि हम मधुबन में आते हैं तो हमको न शॉपिंग करने का सोचना होता है, न खाना बनाने का सोचना होता है, न उसका बर्तन साफ करके रखने का सोचना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये भी मधुबन का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रकार का सोचना नहीं होता। बाकी क्या रहा, बाबा ने इतना सुविधाएं दी है जो आप आराम से बाबा को खूब याद करते रहो। क्यों? क्योंकि अब जो समय चल रहा वो आप देख ही रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ बैठे भी आप लोगों को विश्व का समाचार तो मिलता ही होगा, राइट? तो विश्व की हालतें, चाहे मिडल ईस्ट को देखो, चाहे रशिया यूरोप को देखो, और ये तो मुख्य मुख्य बातें चल रही। बाकी तो अनेक प्रकार के झगड़े सारे प्लैनेट में चल ही रहे हैं, और बाकी भी जो आजकल मौसम का जो बहुत बदल चुका है मौसम। अभी आप सोचो कि नवंबर का आधा तो बीत चुका, परंतु तो भी इतनी गर्मी है जो आप लोग पंखा चला रहे हैं अभी तक। नहीं तो जो मुझे आबू के मौसम की पहचान है वो आज समय तक तो पंखा तो बंद ही हो जाते, परंतु थोड़ी बहुत ठंडक भी शुरू हो जाती। और ऊपर भी मैं जाती रहती हूँ माउंट पर, तो वहाँ पर तो मुझे बिल्कुल पक्का याद है कि इन दिनों में करीब 10, 12, 13 इस तरह से ही टेम्परेचर चलता था और उससे आगे नहीं होता था। मुझे खास याद है क्योंकि एक बारी हम लोगों ने जब दादी का 100 वर्ष का किया था तो करीब वो 18 नवंबर की बात थी,
जब खास विदेश से 40 देशों से विशेष दादी के लिए आए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो उस समय मैं टेम्परेचर को बहुत ध्यान से देखती थी ताकि फिर मुझे उनको बताना पड़े कि आप लोग गर्म कपड़े लेके आओ या नहीं। तो मैंने देखा कि बिल्कुल रात्रि को तो 10 तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता था, सवेरे भी इस प्रकार से। तो यही दिन थे, और आजकल तो मैं समझती शायद 18-19 ही चल रहा होगा। तो बाबा हर प्रकार से आपकी बहुत सुंदर परवरिश कर रही हैं। तो आपका बाकी क्या काम है? विश्व को बाबा की लाइट और माइट देना और अपने श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करते कर्मातीत बन करके भविष्य के लिए तैयारी करना। तो कई लोग तो ऐसे सोचते होंगे कि आप लोगों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग आ गया। मैं समझती कई ऐसे सोचते होंगे तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि बाबा ने आपकी जवाबदारी उठाई है और आपको कुछ और बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं। जिनों को जॉब होती, बिजनेस होती, उनको कितनी बातों का सोचना होता, और माताओं को घर चलाने के लिए कितना दिमाग लड़ाना पड़ता, पर आप सब बातों से निवृत्त, बिल्कुल फ्री। तो अब जैसे बाबा ने उस दिन कहा, अपने चेहरे और चलन से, अपनी प्रसन्नता से बहुत बहुत आप सेवा कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लोग टू मच बिजी 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 है, आप बाबा को ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि हम टू मच बिजी थे, इस कारण से ये नहीं किया वो नहीं किया। और ही आप बाबा को थैंक्स देंगे कि हमको फ्री भी ऐसे फ्री कर दिया जो बिल्कुल बाबा और बाबा ही मेरा संसार और कोई भी बात नहीं। आप सोचो आप लौकिक स्थान पर होते तो पोतरे दोतरे सब कितने होते और न सिर्फ खुद का सोचना परंतु उन्हों का भी सोचना, उन्हों का रोना धोना भाग दौड़ करना, वो सब आपकी जवाबदारी होती, परंतु आप बिल्कुल फ्री। तो ऐसे फ्री समय का आप अवश्य ही फायदा उठा भी रहे हैं, मैं जानती हूँ। परंतु और भी, जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि यदि आप बिल्कुल अंदर गहराई में चले जाओ, सागर की प्राप्तियाँ हमें प्राप्त हुई है बिल्कुल सागर के समान, तो जब इतनी प्राप्ति है तो बस संकल्प यही होता कि हम अपने जीवन द्वारा बाबा को रिटर्न देवे। ऐसे हम अपने श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा रखे, जो कोई भी आए। मैं समझती आपके पास कई विजिटर्स आते होंगे देखने के लिए कि ये कैसे सिस्टम बनी हुई है और किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि कई स्थानों में तो कुछ सिस्टम ही नहीं होती और कहाँ कहाँ सिस्टम शुरू होती परंतु उसको आगे फिर नहीं चल पाती। परंतु यहाँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत डिसिप्लिन है। शूज़ की लाइनें देखो कितनी नीट और टाइडी है जैसे एक छोटी सी बात से ही पता चलता है कि आपके हर कार्य में बहुत डिसिप्लिन है। तो ऐसे समय पर बस जैसे बाबा ने कहा, प्राप्ति को आप अपने में समाते जाओ, उसको इमर्ज करके देखते रहो, देख देख कर आप कितने हर्षित रहेंगे। बैंक में जमा है वो तो अलग होता, परंतु जो हाथ में कैश होती और हम फ्रीली उस कैश को जिससे चाहे वैसे यूज़ कर सकते, चाहे दान पुण्य में यूज़ करें कुछ भी हो, परंतु जितना जितना हमको फ्रीडम होती है सब कुछ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, तो लोग बहुत बहुत खुशी मनाते हैं। तो आप सबको रियलिटी
सवेरे सवेरे बाबा ज्ञान धन से भरपूर करते, दिन भर उन बातों का मनन चिंतन स्मरण करते रहो। ये तीनों शब्दों में अंतर है। मनन, पहले तो जो बातें सुनी है बाबा की मुरली में आज सवेरे, किसको याद है आज सवेरे की मुरली? एक, आप बहुत ऑनेस्टी से, दो, आप बहुत ऑनेस्टी से यहाँ बैठे हो, तो हाँ कुछ कुछ बातें तो याद होंगी, कुछ कुछ बातें भूल भी जा गए होंगे, हर्जा नहीं है। परंतु मैं क्यों कहती, क्योंकि यदि आप तीन बातें भी हर मुरली से उठाकर उसका मनन करो, तो आप सोचो कि मन आपका कितना शुद्ध बन जाएगा। और फिर न सिर्फ मनन रिविजन करना, परंतु फिर है चिंतन। ऐसे कहते हैं कि राम को अपने चिंतन में ले लो तो फिर दुख आ नहीं सकता। तो सचमुच अपने पास बाबा और बाबा का ज्ञान और कोई तीसरी बात तो है ही नहीं। तो जितना बाबा और बाबा के ज्ञान को याद करते हैं, तो जो बातें रिवाइज की है मुरली में, उसका फिर वही चिंतन चलता है। चिंता प्रॉब्लम वो नहीं करना है, परंतु चिंतन, मन का चिंतन चलता ही रहता है, कहाँ न कहाँ भाग दौर होती ही रहती। तो उस चिंतन में परिवर्तन करके वहाँ पर भी अभी मैं देखती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर स्थान भारत में बन गए हैं, जहाँ पर बाबा के बच्चे आकर मनन चिंतन शांति से कर सके। यहाँ भी आपके पास बहुत ही सुंदर बाबा का कमरा है, कहीं ऐसे और जगह भी बने हुए हैं एक्टिविटीज़ के लिए, परंतु एक्टिविटीज़ में भी चलो आप पीस ऑफ माइंड चैनल देखेंगे और क्या देखेंगे। और मैंने बहुत अच्छी बात सुनी कि आप लोग बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट लेते हो और उसके भी खूब रिहर्सल करके तैयारी करते हो। मैंने देखा हुआ भी है, कई स्थानों पर मैंने देखा कि खास दिवाली पर माताओं ने बहुत सुंदर रास की थी, शायद ट्रॉमा हॉस्पिटल के दिवाली पर एक समय। परंतु एनीवे, तो चिंता तो भूल गई, चिंतन में ले लिया राम को, और फिर न सिर्फ चिंता मिट गई और आपको वो जो मसाला होता या मक्खन मिलता है, जब पानी को पिलोड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, हाथ ही दुखने लगते हैं क्योंकि थकान हो जाती और रिजल्ट तो कुछ भी नहीं। परंतु अभी तो आपको ज्ञान जो मिला है, उसका जितना आप मंथन करेंगे, उससे जो आपको शक्ति मिलेंगी, वो आपके तन को भी शक्ति देंगे। कौन समझता है कि बाबा के स्थान पर आकर रहने से मेरी तबीयत और ठीक हो गई? कई है, सभी ने नहीं हाथ खड़ा किया। आप थोड़ा सोच लो कि यदि इस आयु में आप अपने लौकिक स्थान पर होते, तो जितना अभी आप यहाँ कर रहे हो उतना शायद नहीं कर पाते। तो सचमुच बाबा ने हरेक को, जब मन सुंदर बन गया बाबा के ज्ञान और योग के द्वारा, तो फिर तो हम दिल से बाबा को थैंक्स देते और दिल से कहते हैं कि हाँ बाबा, हम आपके अपने जीवन के द्वारा प्रत्यक्षता कर सकते। मैं सोच रही थी कि एक गलत काम होता, उसकी कितनी पब्लिसिटी हो जाती, वो बात वायरल हो जाती। परंतु इतने सारे बाबा के बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं तो वो इग्नोर कर रहे हैं, कोई हर्जा नहीं, वो भी समय आएगा जबकि मीडिया वाले हमारे पास पूछने के लिए आएंगे कि आप लोग इस पर क्या विचार करते हो। आज हम लोगों को बाजार में जाना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता, परंतु वो समय अवश्य आएगा जबकि वो आपके पास आकर पूछेंगे, बहन जी भाई जी हमको लिस्ट दियो, हम क्या क्या लेके आए बाबा के भंडारे में। तो कह
कहने का मतलब कि तन मन का बहुत गहरा कनेक्शन है, तो मंथन करके मन को शक्तिशाली बनाया तो फिर तन अपने आप ही बहुत अच्छी तरह से आराम से साथ देता है। कई बार मुझे दादी जान की याद रहती ही है क्योंकि उनके साथ बहुत समय बिताए, तो हर एक दादी से पूछता था, दादी आपको इस आयु में 80s थी, 90s थी, 100 से ऊपर दादी चली गई, परंतु ये लोगों का प्रश्न हर स्थान पर दादी को मिलता ही था, दादी आप इस आयु में इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, इतना सारा कार्य करते हैं, आपको ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो दादी क्या कहती थी, उंगली ऊपर के इशारे तो देती थी, परंतु दादी बहुत प्रैक्टिकल उत्तर देती थी कि ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद भी मैंने अपना समय, संकल्प, शक्ति, और उन दिनों में तो जब वो सब हाजिर थे तो दादी कहती थी कि इन्होंने तो इतना सब कुछ हमें हमको दिया है, सबकी दुआएं मिली हुई है, परंतु वो भी दुआएं भी मुझे मदद करती, परंतु मैंने कभी भी अपनी एनर्जी को फालतू बातों में नहीं दिया है, समय को मैंने बहुत प्यार से सेवा के लिए या अपनी उन्नति के लिए ही यूज़ किया है, वो भी कभी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, संकल्प कितना बड़ा खजाना है बाबा की मूल्यों से तो मालूम ही है, परंतु खुद का भी अनुभव यही है, मंथन करके कुछ बात अच्छी तरह से रियलाइज हो जाए तो उसकी जो खुशी होती एक विशेष खुशी होती। आप जाकर शॉपिंग करो और अच्छी कोई नई चीज़ खरीद करो, वो तो आप लोग कभी करेंगे ही नहीं, परंतु जब पहले भी आप कभी शॉपिंग पर जाते थे तो कई लोग हैं बाहर वाले जो कहते हैं हमको शॉपिंग करने में हमारे सब दुख दूर हो जाते, क्योंकि इतना बुद्धि इन बातों में इंटरेस्ट लेती है जो और बातें भूल जाते। तो हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे ज्ञान के मनन, चिंतन, मंथन से ही हमारे जीवन में कितना सुख मिला है, कितनी आनंद की अनुभूति होती। तो हर बात में दादी का कहना होता था, मैंने कभी कोई बात वेस्ट नहीं की है। और रियलिटी में हम देखते थे दादी के जीवन किस तरह से है। तो आप भी अपने मन की एनर्जी, अपने तन की एनर्जी और साथ साथ आत्मिक स्थिति का आप चेकिंग करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि जो कुछ भी पहले सोचा था कि ये करें वो करें सब कुछ हो ही रहा है, हमको और आगे सोचने की करने की दरकार ही नहीं, सब कुछ बाबा संभाल रहा है। तो जब आप अपने प्राप्तियों को याद करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, आपका चेहरा भी हर्षित नजर आएगा। जो यहाँ विजिटर्स आते हैं वो सिर्फ कमरों को नहीं देखते हैं, वो आप सबको देखते हैं कि इस आयु में ऐसे स्थान पर आपको भगवान ने चांस दिया है रहने के लिए, और आप उसका जो प्राप्ति आपको हो रही है आपके चेहरे के चमक से ही उनको पता चले। तो मुझे लगता है कि प्राप्ति का आधार अपने पहले मन में संतुष्ट रहना। कहीं पूछते हैं कि प्राप्ति पहले या संतुष्टता पहले, कौन समझता है संतुष्टता पहले? कोई कोई हाँ कह रही है सभी ने नहीं कुछ जवाब दिया, परंतु कोई बात नहीं, आप थोड़ा विचार करना तो उसमें क्या है कि मैंने दादी को देखा, और ये बात मैं फिजिकल बात कहती हूँ परंतु वो स्पिरिचुअल बात से भी बिल्कुल लागू लगती,
दादी जब बहुत छोटे से स्थान में रहती थी, ये है पूना की बात, 1957 की बात, बहुत सिंपल, अति सिंपल, सारा दादी का मकान स्टेज से भी कम जगह में होगा, छोटा सा क्लासरूम और छोटा सा भंडारा और स्नान का स्थान, और बेडरूम तो थी ही नहीं, क्योंकि क्लासरूम में मीटिंग रूम, सिटिंग रूम, ईटिंग रूम, स्लीपिंग रूम सब कुछ वही था। तो ऐसे स्थान पर दादी ने एक बड़ा बोर्ड बनवाया था, क्योंकि दादी ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर थी, और बाजू बाजू में जैसे चाल सिस्टम होती है ना, तो ऐसे आजू बाजू में भी और भी अनेक थे। तो लैंडलॉर्ड ने छुट्टी दे दी, तो जितने 5-6 स्थान थे, बोर्ड ऐसे लगवाया ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी तो था ही, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो एक जर्नलिस्ट आई, वो कहे कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दादी कहे यही तो है। तो दादी की इतनी बड़ी दो, परंतु उसमें मुझे और एक कहानी सुनानी थी। हमारी माता जी ने और ग्रैंड मदर ने ज्ञान लिया फेब्रुअरी मास में 57, जबकि पिता, हमारे ग्रैंड फादर बीमार हो गए थे। तो दादी उनसे, दादी को कुछ उसके प्रति भावना थी कि उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया था, तो दादी हमेशा उसका थोड़ा ध्यान रखती थी। तो जब तबीयत ठीक नहीं थी तो दादी उन्हों के पास गई और ज्ञान सुनाया, तो उस ग्रैंडफादर तो सुन रहे थे, परंतु ज्ञान उठाने वाले हमारी लौकिक मदर और ग्रैंड थे, तो वो तो और ही इंटरेस्ट से ये बातें सुनते रहे, ग्रहण करते रहे। थोड़े दिनों के बाद दादी ने कहा कि अभी तो दादा आप ठीक हो गए हो, तो अभी मैं अपना और कारोबार करेंगी, मैं यहाँ नहीं आएंगी। तो दादा ने कहा कि नहीं, आप ज़रूर आओ, आपके देखो ये दो स्टूडेंट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और उसमें जैसे ही आपने उनको तैयार किया, फिर वो क्लास में वहाँ आएंगे, परंतु अभी तो प्लीज़ आप थोड़े दिनों के लिए आओ। तो दादी आती रही प्यार से। फिर मुझे उन्हीं दिनों में मार्च महीने में, यहाँ मार्च अप्रैल में समर हॉलीडेज़ होते हैं, या अप्रैल मास अप्रैल में, तो समर हॉलीडेज़ में करीब हम 8 बजे थे, और जहाँ ये बिल्डिंग थी उसके बाजू में फिर दूसरे स्थान थे। तो हमारे फादर की बहन बुआ, तो उसका घर वहाँ था, वो बिला था, तो फिर बगीचा वहाँ पर था, तो बच्चों का क्लास फिर बगीचे में करते थे 10:30 बजे। तो यदि 12 बजे के बाद चालू होता था क्लास, तो दादी को ख्याल होता था, दादी के साथ एक और बहन रहती थी, तो या तो दादी या तो वो बहन हम लोगों के लिए कुछ लेके आती थी खाने के लिए। बहुत समय बाद में मुझे पता चला कि दादी के पास जो बजट थी वो इतनी ही थी जो एक बारी का खाना बनता था, और इतना भी नहीं होता था जो सेकंड टाइम बना सके। तो जब आकर के दादी बच्चों को खिलाती थी तो वो होता था उनका लंच, और कुछ उनके पास होता नहीं था। तो कुछ नहीं है तो भी बड़ी दर, तो जब पहले संतुष्ट आत्मा है और बड़ी दिल है और उनकी सेवा करते, तो फिर तो भगवान राजी होकर के उनको सब कुछ देते। मुझे एक और सीन याद आती, जगदीश भाई 80s में हमारे पास लंदन में आए थे, कई बार आए, उसका तो मैं गिनती भी नहीं कर सकती, बहुत बार ही आए। तो ये 80s की बात, जब सब कुछ छोटा सा ही स्थान था, परंतु तब तक स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे निकल चुके थे, तो बाबा का भंडारा तो भरपूर था, और हमें जगदीश भाई का संकल्प था कि रोम में कुछ सेवा हो। तो तब तक तो रोम में कुछ सेंटर नहीं था, पहचान वाले थे,
फ्रॉम द सेंटर नहीं था, इटली। तो उसका इंटरेस्ट था कि जो ये रोमन चर्च का, रोमन कैथलिक चर्च का हेडक्वार्टर्स है वैटिकन में, वहाँ पर उन्होंने बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी आदाद है। तो उसका संकल्प था कि मैं जा कर के वहाँ पर कुछ दिन स्टडी करूँ, ताकि फिर कुछ मुझे उनके बैकग्राउंड में, जैसे एक बात तो मुझे मालूम है कि आजकल क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, परंतु कोई समय था जब वो मानते थे। और फिर जिस समय उनका कुछ एक बड़ा संगठन था इस्तांबुल में, कॉन्स्टेंटिनोपल उसका नाम उस समय था, तो उन्होंने ये पुनर्जन्म की बात अपने शास्त्रों से निकाल दी। क्यों? क्योंकि जो प्रीस्ट थे उनको लोग पैसे देते थे अपने पाप जो किए हुए हैं उसकी माफ़ी लेने के लिए। पैसा मिल रहा है प्रीस्ट को, और प्रीस्ट कह रहा है हाँ आपने पैसा दिया तो आपकी ये भूल माफ हो गई। हो सकता है ऐसे? आप सोचो कि ये थी थियोरी उस समय। तो उसमें फिर जब पुनर्जन्म की बात आती तो उनका कमाई का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि पुनर्जन्म के हिसाब से तो जो कर्म किया है फिर तो नेक्स्ट जन्म में उसका हिसाब चुप तो करना है, तो प्रीस्ट को तो कमाई नहीं होंगी। तो प्रीस्ट की कमाई के लिए उन्होंने ये बात निकाल दी। तो जगदीश भाई का कहना था कि कई ऐसी भी और बातें होंगी जो उनके ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में होंगी, जो फिर और अभी तक वो नहीं प्रचार करते हैं। तो इस भावना से हम लोग वहाँ गए, परंतु थोड़े दिनों में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सका। परंतु दादी ने, क्योंकि सेंटर नहीं था, परंतु कोई पहचान वालों ने अपना स्थान दिया था रहने के लिए, वो अलग रहते थे और हम दोनों वहाँ थे, तो दादी ने इतनी टोलियाँ दी जो हम कुकिंग ना भी करें तो भी चल सकते थे। परंतु ये नियम था कि हमको बाबा को भोग ज़रूर लगाना है, तो हम बाहर में नज़दीक ही मार्केट थी, तो हम रोज़ ले आते थे सब्ज़ियाँ और मैं थोड़ा बहुत कुछ बना लेती थी। तो जगदीश भाई इतनी सारी टोलियाँ वगैरह वगैरह देख कर के कहते कि आपको मालूम है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जब कुछ भी नहीं होता और आप अन्य आत्माओं की सेवा करते हो बड़े दिल से, तो वो समय भी आता जब बहुत कुछ भगवान आपको अभी भी दे देता। तो ये रियलिटी, संतुष्ट आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा, फिर वो देने के बगैर रह नहीं सकते। दादी का ज्ञान धन तो आप लोगों ने सभी ने अनुभव किया है। हर रोज़ शाम को दादी क्लास कराती ही थी, और वो भी लेट, जब 90s 100 तक पहुंची। उससे पहले तो सुबह शाम दादी क्लास कराती थी। तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा हर एक बन सकता। बाबा सिर्फ महारथियों के लिए, अष्टरत्नों के लिए नहीं कहते, परंतु आप भी ये जो आपका समय है, बस आप लेते जाओ बाबा से, और फिर न सिर्फ मनसा से आप विश्व को देते रहो, परंतु जो आप दिन भर आपस में लेन देन करो, संसार समाचार का तो लेन देन करने की ज़रूरत ही नहीं, मार्केट कैसी है, मौसम कैसा है, ये सब भी बातें कोई ज़रूरत ही नहीं। तो आप लोग ज्ञान रत्नों का जितना आपस में लेन देन करते रहेंगे, उतना आपको खुशी भी बढ़ती रहेंगे। हाँ, आप कल्चर बहुत सुंदर करते हैं, मैंने भी देखा है, परंतु उसके साथ साथ जितना आप ज्ञान को बिल्कुल अंदर ही अंदर मंथन करके, उस स्मृति में रह करके लेन देन करेंगे, आप सोचो कि कितनी आपकी कमाई होती रहेंगी। आप करते तो होंगे ही, परंतु और भी इस बात को आप और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आकर मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा, और मुझे मालूम है कि बाबा आपको जैसे अभी भी संभाल रहे हैं, वो आगे भी संभालते ही रहेंगे। और आपके पास सोम भाई और विजय बहन भी, आपके वैसे तो आपके बच्चों के समान है
परंतु वो भी आपके माता पिता के रूप में बहुत अच्छी पालना कर रही है। तो हमें ये जो ज्ञान धन तो मिला है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दीदी ने जैसे कहा कि उसका मनन चिंतन जो है वो हम जब करते हैं तो वो सामने जब निकल के आता है तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता लगती नहीं है। वैसे भी हमारा जीवन शायद हम केवल समझते नहीं हैं, लेकिन हम जैसे विराग की तरफ ही जा रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास है वो भी और सीमित हो जाए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि हमें फालतू में कुछ सोचना नहीं पड़े ज़्यादा, पहनने का हो खाने का हो। लेकिन आपको तो बाबा ने ऐसा स्थान दे दिया है, ऐसी सहूलियत दे दी है, और जो आपकी ज्ञान योग से जो पालना होनी चाहिए वो भी दीदी जैसे महानुभव यहाँ पर आके आपको कितना प्यार देते हैं बाबा की तरफ से, उसकी तो कोई हम कोई वैल्यू तो लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा भाग्य है हमारा, आप सब की तरफ से दीदी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।